क्या माउंटेन है यार यहाँ, तो मुझे लग रहा है कि रुक के फोटो खिंचवा ही लेना चाहिए। ये जो पहाड़ है, ये वाला पहाड़ और वो वाला पहाड़, ये दोनों जो हैं ये इंडिया है, और वो सामने अगर आप देख पा रहे हो वो स्नो वाली माउंटेन, वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान है पूरा ही पहाड़। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू वन मोर न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो मैंने यहीं पर एंड किया था और ये नया वीडियो भी यहीं पर शुरुआत कर रहा हूँ। अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं, अपने टाइम लैप्स देख लिए होंगे। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं आगे तुरतुक की तरफ। तुरतुक जो है इंडिया के लास्ट विलेजेस में से एक है, और आप कह सकते हैं कि किसी टाइम वो पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था। मैंने सुना है कि तुरतुक जो है इंडिया के मोस्ट सेंसिटिव और इमोशनल विलेजेस में से एक है। तो क्या है तुरतुक की स्टोरी, क्यों उसको मोस्ट सेंसिटिव और इमोशनल विलेज बोला जाता है, वो जाकर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से तुरतुक है करीब करीब कुछ 80 किलोमीटर। तो अभी फटाफट फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, धूप बहुत हो चुकी है। तो ये देख लो भाई, ये हमारा कचरा है सारा, और हम इसको अपने साथ वापस ले जाने वाले हैं। और अब इसके बाद मैं आपको सीधा मिलता हूँ बाइक पे। सीट बहुत गर्म हो गई, चटके मार रही है, सीट के ऊपर ना कुछ रख लेना चाहिए था। चलो रेडी है, निकलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, मज़ा आया यार यहाँ। ओ भाई सही है, सही है, सही है, सही है। टाइम था, फोटो क्लिक करवा सकते थे, बट जैसा कि मैंने आपको बोला, देर आर मैनी स्टोरीज इन तुरतुक। मैं जाके उन स्टोरीज़ को सुनना चाहता हूँ, और मैं सच बताऊँ आपको, मेरे दिमाग में अभी वो स्टोरीज चल रही हैं। उनमें से मैंने बहुत सारी स्टोरीज सुनी हैं, लेकिन दूसरों के मुँह से। मैं उन स्टोरीज़ को लोकल्स के मुँह से सुनना चाहता हूँ। इतना जल्दी आ, भाग्या 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 भाग्या, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी जल्दी आ जा, हाथ मिलाएंगे, आ जा, डर रहे तू? और कहता है छोड़े, चल तेरे को घुमा के लाऊं, बाय। रास्ते को देख के ही लग रहा है कि कहीं बॉर्डर के आसपास जा रहे हैं। क्या माउंटेन है यार यहाँ, तो मुझे लग रहा है कि रुक के फ़ोटो खिंचवा ही लेना चाहिए, पर मज़ा नहीं आएगा क्योंकि माउंटेन तो आएगा नहीं। रास्ता तो देखो, अबे क्या है ये, रोड कहाँ है? पहाड़ तोड़ के पत्थर बिछा दिए बस, बेचारी बियारो लगी तो पड़ी है। अरे 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 नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, बाइक डग मांगा रही भाई यहाँ तो। चलो पत्थर से तो निकले, कुदरत। ये वाले हाथ से मिलाते हैं, कैसा है? अच्छा है, बिस्किट खाएगा, बिस्किट खाएगा, ठीक है फिर तो मेरा दोस्त बनेगा। चलो फिर मेरे साथ चलेगा? नहीं चलेगा, चलेगा नहीं तो फिर कैसा दोस्त है मेरा तू? नाम क्या तेरा? हाँ रियाज। और आपका नाम क्या है? नुसरत। और तुम्हारा नाम क्या है? अफीना। अरे बड़े अच्छे नाम है यार तुम्हारे। मेरा नाम दिनेश है, दिनेश, मैं दिल्ली से आया हूँ, आया हूँ दिल्ली से, तुरतुक जा रहा हूँ। तुरतुक कहाँ है? तूने मेरे को झूले तो बोला नहीं, कब बोलेगा, कब बोलेगा झूले? दिखाना बिस्किट, दिखाना, इसकी मेरी डील हुई है, मैं बिस्किट दूंगा इसको। कितने खुश हो जाते हैं बच्चे। अब तो मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि जाना कहाँ है। ओ ओ ओ ओ भाई, ये तो पड़ा पड़ा है पूरा। ईमानदारी से अगर बोलूँ ना, तो इस ब्रिज से निकलते टाइम मेरी सांसें अटकी हुई थी,
मुझे लग रहा था भाई मैं निकल भी जाऊंगा या निकल ही जाऊंगा, क्योंकि लकड़ी का ब्रिज था, ऐसा लग रहा था कि फट्टे तोड़ के नीचे चली जाएगी बाइक। और कई जगह से टूटा भी हुआ था, एक जगह तो स्टील वायर से बांधा हुआ था लकड़ी को। एडवेंचर करने आए थे ना, करो एडवेंचर। तो अभी यहाँ पीछे रुके हुए थे, चांगमार से बोगडांग के बीच में एक चेक पोस्ट आती है जहाँ पर फिर से आपको परमिट चेक कराना होता है। तुरतुक में बेसिकली एंट्री के लिए आपको परमिट चेक कराना होता है। तो यहाँ से तुरतुक करीब रह गया होगा 30-35 किलोमीटर। ये गलत बात है, ऐसे बैग में हाथ नहीं डालते कितने का, ठीक है? और लेके आना, ठीक है? खैर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बैग में हाथ डाल रहे हैं, ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, छीन रहे हैं। और पीछे इससे पहले वाले जो बच्चे मिले थे उसमें तो दो बच्चों ने तो पैसे भी मांगे कि पैसे दे दो। अब पैसे देना तो पता नहीं कितना जस्टिफाइड है, मुझे ठीक नहीं लगता। ले 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 देखो तो मिला ना ऑलरेडी। हटे लीजिए, हाथ नहीं मिलाएगा। बस एक ही मिलेगा मुझा, तेरा तो क्या था उदास, एक ही मिलेगा। बस देख क्या रहा अंदर, नहीं हो गया। क्या 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 कर रहा है, क्या कर रहा है? हो गया, बस हो गया। शादी किस किस का हुआ तुम में से, किस किस का शादी हुआ, निकाह नहीं हुआ तुम्हारा? तीनों का हो गया। इन तीनों का निकाह हो गया, अरे बढ़िया यार। नहीं हुआ तेरा, हुआ शादी तेरा भी नहीं हुआ? अरे यार तेरा रह गया, तेरा हुआ शादी? क्यों शादी कराना था तेरे को? गड़बड़ कुछ और ही है, पर कैसे दे सकता कोई 5 लीटर 400 का, 106-107 रुपए का तो पेट्रोल पंप पे है। तो अभी जिनेश भाई ने एक्चुअली पेट्रोल खरीदा है पीछे से ब्लैक में, तो ब्लैक में तो पेट्रोल महंगा मिलना चाहिए। बाहर पेट्रोल पंप पे 106 रुपए पर लीटर, और जिनेश भाई ने ख़रीदा है 400 रुपए का 5 लीटर, मतलब 80 रुपए लीटर। जो पेट्रोल पंप पे 106 रुपए लीटर है वो 80 रुपए लीटर अंदर ऐसे गांव में कैसे मिल सकता है? तो मुझे लग रहा है उन्होंने बना दिया है और कुछ मिक्स करके डाल दिया है, अब पता नहीं। चलो भाई फाइनली चाबी तो मिल गई है। एक्चुअली अभी क्या हुआ था, पीछे हम लोग रुके थे जहाँ पेट्रोल लिया था गणेश भाई ने, वहाँ बहुत सारे बच्चे आ गए थे, उनको बिस्किट भी दे रहे थे। मैंने चाबी बाइक से निकाली और गणेश भाई के बैग के ऊपर रख दी और मैं भूल गया। अब मैं चाबी ढूंढ रहा हूँ, ये लोग निकल गए बाइक लेके आगे, मुझे चाबी मिले ही ना। मैं परेशान, मुझे लगा किसी बच्चे ने तो नहीं निकाल ली, क्योंकि शरारती तो हैं बच्चे या फिर क्या चक्कर है। अब मैं डर गया, वैसे तो मैंने स्पेयर में एक चाबी रखी हुई थी, उतना मेरे को डर नहीं था। फिर मैंने दूसरी चाबी निकाली, बाइक स्टार्ट करी, आ गया इन लोगों को चेस किया, रुकवाया, इनको बताया यार ऐसे हो गया। इन्होंने बोला किसने करा, मैंने कहा हो सकता है बच्चों ने शरारत करी हो, पर बच्चे क्यों करेंगे, ये भी मैंने साथ में बोला इनको। तो कह रहे अब कैसे करें, मैंने कहा पता नहीं, मेरे पास दूसरी चाबी उससे चला रहा हूँ। तो फिर ये भी बोलेंगे यार गलत है, बच्चे शरारती थे, ये थे वो थे। इतने में मैं क्या देखता हूँ, इनके बैग, इनके साइड बैग के ऊपर मेरी चाबी पड़ी हुई है। मैंने कहा थैंक गॉड बच गया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि कभी भी ज़िंदगी में कभी भी कहीं भी लॉन्ग ट्रैवल पर जा रहे हो, ऑलवेज कीप अ स्पेयर की विद यू। हमेशा एक चाबी आपके पास होनी चाहिए, आपके टैंक बैग में, किसी और बैग में, कहीं भी, बट यू नीड टू हैव अ स्पेयर की, कि कहीं पे भी अगर कुछ ऐसी घटना हो जाती है, चाबी गिर जाती है, खो जाती है, कुछ भी होता है, तो आप अपनी बाइक को स्टार्ट करके ले जा पाओ। रूट देख रहे हो बिल्कुल रॉ है, हालांकि यहाँ सड़कें बनी हुई हैं अभी, क्योंकि आर्मी का आना जाना लगा रहता है, लेकिन ऊपर देखो कभी भी कोई भी पत्थर नीचे गिर सकता है ऊपर से निकल के। कार का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर गलती से भी इनमें से किसी भी पत्थर ने नीचे गिर के बाइक को हिट कर दिया, तो भाई साहब बाइकर जो है ना वो हिट विकेट हो जाएगा।
बीच में थोड़ा बहुत रास्ता ख़राब मिला था, बाकी तो टारमैक रोड है उतना अच्छा नहीं है, बट ठीक है चलेगा। कि यहाँ के लोग कुछ ही लैंग्वेज जानते हैं, जिसमें से एक है बाल्टी, दूसरी है हिंदी और तीसरी है उर्दू। बाल्टी लैंग्वेज इसलिए जानते हैं क्योंकि ये लोग बाल्टिस्तानी हैं, उर्दू इसलिए जानते हैं क्योंकि उर्दू ज़बान इनको पढ़ाई जाती है स्कूल में, और हिंदी का कैसा है कि एक तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदी आई जाती है लोगों को, और दूसरा क्या है कि उर्दू भी जो है वो हिंदी से मिलती जुलती है, कुछ ही शब्दों का फ़र्क होता है वरना ऑलमोस्ट हिंदी जैसी होती है। वल्ला हबीबी, तुर्तुक में तुम्हारा स्वागत है। तो जी तुर्तुक में तो ऑलरेडी हम पहुँच चुके हैं। अब हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है आखिरी गाँव को देखना, तो उसके लिए हम आगे और बढ़ रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक बाइक्स जाएंगी। ओ ओ ओ ओ याक त्याची 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 जाने देते हैं वहाँ। क्या देख के गांव में नहीं जाने देते? क्या चीज क्या क्या चीज और कम दीदी आओ एक बार सलाम सलाम सलाम। और कोई भी है पीछे? कहाँ है? उधर ही चला जाता हूँ। डन। वो भैया पीछे मेरा फोटो खींचना मांग रहे थे। I'm still not famous, bro. चलो चेक हो चुका है परमिट, अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ तक आ गए हैं हम ये सब देखने, अब और ऊपर जाना है, शायद वो टूटे हुए रास्ते से ऊपर जाना है। और उन भैया ने बताया कि ये जो पहाड़ है, ये वाला पहाड़ और वो वाला पहाड़, ये दोनों जो हैं ये इंडिया है, और वो सामने अगर आप देख पा रहे हो वो स्नो वाली माउंटेन, वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान है पूरा ही पहाड़। ये वाला पहाड़ और ये वाला पहाड़ दोनों इंडिया है। तो पहली बार मैं इतना क्लोजली कोई बॉर्डर को देख पा रहा हूँ, और वो बता रहे हैं कि आगे जाओगे तो शायद वो बाइनोकुलर से दिखाते हैं, और जो हमारी जो सीमा पे जो हमारे जवान बैठे हुए हैं और उनकी सीमा पे जो उनके जवान बैठे हुए हैं वो दिखते हैं, और वो जो सामने वाला पहाड़ है उसमें आधा उनका आधा हमारा है। तो चलते हैं आगे फिर देखते हैं क्या है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, एक तो टूटे रोड, ऊपर से पूरा एलिवेशन, और उसके बाद धूल ही धूल, और जरा सा अगर राइट में गए खिसके तो सीधा नदी में। क्या बात है जी, एडवेंचर करना है, एडवेंचर करना है, कर एडवेंचर, देख ले पाकिस्तान, जा वो रहा पाकिस्तान वो देख। अरे मुझे लगा था पूरा टूटा होगा, नीचे तो थोड़ा ही टूटा, ये तो बाकी सब तो मस्त बना हुआ है।